जय भोले भंडारी। ना दो छोरियां तो ना थी देखी सर उसे? नहीं मैंने नहीं देखी। भागती हुई आई होंगी? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखा भाई साहब। चल 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 चल। अरे हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नौजवान रो क्यों रहा है, क्या हुआ? वो गरिमा सुशीला ने फिर मेरा कॉस्ट्यूम खोज लिया। अगली बार से मैं पार्टी नहीं लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, फिर से गुप्तगू शुरू हो गई प्रेसिडेंट साहब। अरे हमें भी तो बता दो किस बारे में डिस्कशन चल रहा है। ना ना जसाब, ऐसे ही जसाब, कुछ लोगों का मानना है हत्ती बाजार की आग माता रानी ने खुद ही बुझाई थी। जसाब, ये सोनू ने खुद माता रानी के दर्शन किए। वो कह रहा था माता रानी ने खूब सुताई की थी जगत की। अरे सोनू बोलता क्यों नहीं? खड़ा हूँ साहब। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? खड़े हो जाओ। इधर खड़ा हूँ साहब। अरे तो इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। हाँ अब खड़े लग रहे हो, बोलो। मने इसे लगियो जज साहब, जैसे माता रानी खुद ही आई थी और हाथ में लंबी सी तलवार लेकर और आँख से निकल कर आई थी। हाँ तो भाई हो गया, बैठ जाओ, जाके बैठ जाओ। हाँ तो धर्मपाल जी, अब क्या कहूँ आपसे, सन 2021 में कैसी बातें कर रहे हैं आप। दुनिया में बिना ड्राइवर के उड़ने वाली कारें बन रही हैं, मंगल पे ही यान भेजा जा रहा है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा 7 साल का पोता भी जानता है कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सब नकली है, समझे कि नहीं। कंधे पर चादर ओढ़ करके उड़ते हुए दुनिया को बचा नहीं रहे, और आप बड़े समझदार लोगों को लग रहा है माता रानी खुद आकर के हाथी बाजार की रक्षा की है। अरे जज साहब, इन धर्मपाल भाई साहब के श्रवण में माता रानी आई थी और उन्होंने कहा कि अपने सैलून में छोरियों को आने की इजाजत दे दो, और इन्होंने दे दी। ना तेरी सलाह मांगी है जज साहब ने, अरे तू अपनी चोंच बंद रख। देखिए जज साहब, आपके सामने जो व्हील चेयर पर बैठा आदमी मुझे धमकी दे रहा है। अरे धमकी की के बात कर रहा है मैं तो। ऑर्डर ऑर्डर। तो धर्मपाल जी, माता रानी ने उस दिन आकर के आपकी दुकान बचाई थी और आज यहाँ ना आकर के जगत सेठ को बचा लिया, समझ रहे हैं ना। लग रहा है जैसे माता रानी के शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी हूं मैंने। ओ देखो माता रानी आ गई। ये नौटंकी चल रही है भाई, ये कोर्ट रूम है। वो इंस्पेक्टर साहब, माता रानी के चरण छूने का वेट कर रहे हो क्या, या माता रानी का शेर देख करके घिघी बन गई आपकी?
अरे इन्हें रोको भाई, समझ रहे हो ना? जी जैसा ना, कौन हो तुम लोग और ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? और यो, weapons are not allowed in the courtroom. ना तुम लोगों की ड्यूटी मैंने आई विटनेस के साथ लगाई थी, जो किन कन खजूरों को पकड़ के लिया? विटनेस तो साक्षात प्रकट हो चुकी है जनाब। ओ तेरी माता रानी! अरे माता रानी की जय बोलने की बारी मेरी है तो बता दो ना, चल के रहे यहाँ पे। माता रानी का भी कोई केस आ गया मेरे कोर्ट में, हैं? इंसाफ मांगने आई है कोर्ट में। जज साहब मैं बताता हूं, यो इस केस की आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह। तुम लोग गवाही देने आई हो तो क्या 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके आरती उतारे तुम लोगों की? आके कटघरे में गवाही दो। चलो आप। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हाँ तो प्रेसिडेंट साहब, आपके लिए अलग से अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। कान और ध्यान इधर ही रखें, आई विटनेस है ये, गवाही देने आई है। ना जैसा मेरी बेटिया है, वो कोई विटनेस ना है और गवाही देने ना आई, वो जिज्ञासा हो रही होगी इसलिए वो देखने चली आई यहाँ पर। अरे यहाँ तमाशा हो रहा है कि देखने चली आई है? ना 18 के ऊपर की हो गई है, यो एडल्ट हैं, वोट देने का पूरा अधिकार है इनका। अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है और यो गवाही देनी है या नहीं देनी है जो भी इनका ही डिसीजन है, और कानून के सामने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना कर सकता। जो हादसा इन्होंने देखा ही नहीं तो गवाही कैसे देंगी? जज साहब उस रात ये घर में सो रही थी। लो जज साहब, इनकी गवाही तो शुरू होने से पहले स्टॉप हो गई। अरे जज साहब, जब इनका बाप खुद कह रहा है कि उस रात छोरियां घर में थी तो क्या आप ऐसी छोरियों पर विश्वास करोगे? फैला रखी है आप लोगों ने। जगत, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने वकील को बोलने दें, आप खुद ही अपने केस को खराब कर रहे हैं। अरे जज साहब, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं, ये हमारे वकील साहब तो मुझे कुछ घबराए घबरा से दिखाई दे रहे हैं। रिक्वेस्ट है जज साहब। तो आओ भाई, साइन कर दो यहां। जी सच साहब। ये कोई बात हुई? देखो अभी भी कुछ बिगड़ा ना है, घोड़ा अभी भी अस्तबल में है, उसे वहीं रोक लो वरना ऐसी पटकनी खाओगे कि नानी याद आ जाएगी। नानी दादी तो मैं तेरी याद दिलाऊंगी जगत, और अगर घोड़ों को रोक के रखना होता ना तो तेरे गुंडों को कुचल के यहां तक ना आते।
इसलिए अब तू रेडी हो जा, क्योंकि अब तेरी बारी है बॉयकॉट। अरे बैल बुद्धि, कितनी बार समझाया, मारपीट से दूर ही रहा कर तू, और तुम लोग हत्ती बाजार के मामलों से दूर क्यों ना रहते? ओ मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, ये 5 फीट 10 इंच का आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इग्नोर पे इग्नोर माने जा रहे हो? मैं यहाँ बालकनी में बैठ करके पिक्चर देखने आया हूँ क्या? अरे भाई सुनो, एक पॉपकॉर्न का बड़ा वाला पैकेट और 2-4 समोसे भी ले आना, और सुन कोल्ड ड्रिंक ले आना बढ़िया वाला। अरे पिक्चर ही देखनी है तो बैठ के आराम से देखेंगे ना बालकनी में, है ना जी? यो छोरियां आई विटनेस कैसे हो सकती हैं? 8 बजे के बाद तो धर्मपाल के घर में कर्फ्यू लग जाता है। हाँ जज साहब, 8 बजे के बाद तो ये छोरियां अपने घर से बाहर कदम भी ना धर सकती। जैसी आग हाथी बाजार में लगी थी ना जज साहब, उसे देख के तो छोरियों की सिट्टी पिट्टी घूम जाती। जज साहब, यो आग हमने ही बुझाई है। यो रहा प्रूफ। काली कमले वाले चुड़ैल निकली, आग से बचने का वरदान तो उसे ही मिला हुआ है। रे कड़वी जबान, तने घाव ना दिख रहे इनके? मुझे बोलने से क्या हुआ? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट रूम ऑर्डर। अरे जज साहब, मुझे तो लग रहा है कि यो निशान चूल्हे की आग से लगा है। क्यों छोरियों, अरे बर्नौल वर्नौल लगाई के ना? बर्नौल तो आपकी बुद्धि में लगानी पड़ेगी। चूल्हे की आग और आगजनी की आग अलग अलग दिखती है क्या? ये तो PhD होकर के अनपढ़ गवारों वाली बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं अपने वकील को ही केस लड़ने दो। एक बात बताओ, चूल्हे की आग से पंजा जल सकता है, कलाई जल सकती है, वहां कैसे जल सकती है भाई? अरे जज साहब, आप जानते नहीं इन छोरियों को? अरे इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये जमीन पे हाथ मार के पानी निकाल सकती है, उड़ते हुए परिंदे के पैरों में घुंघरू बांध देती हैं। अरे जज साहब, इनको तो इनका पूरा परिवार भी ना जानता। इनकी ख्याति बहुत अलग है। जज साहब, हीरो और विलन का बिना एक रिलेशनशिप होता है। इस पूरे कोर्ट में हमारे ऊपर इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो किसी को ना है, और हमारी फैमिली को तो कतई ना है। तभी तो हमें रोकने के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 गुंडे भेजे थे इसने। ना वो बात अलग है कि हमने उनका ही 3-5 करके उनको धूल चटा दी। क्यों अंपाल सदवीर, कैसी लगी मिट्टी की टेस्ट? ना अगर स्वाद भूल जाओ तो बता देना, रीप्ले का बटन दबा देंगे हम। पकड़ो इनको। इंस्पेक्टर अग्नि, आपके विटनेस कानून को हाथ में लेने की धमकी दे रहे हैं और कानून खड़ा खड़ा देख रहा है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो तो मुझे भी समझा दो। जज साहब, इसीलिए मैं इनसे पहले इनकी पोल, इनका पिटारा खोलने की इजाजत चाहता हूं। एक नंबर की झूठी है छोरियां। जज साहब, ना इनके माँ बाप, ना इनकी चाची चाचा, इनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। जज साहब, इस कोर्ट में बैठा हर एक आदमी, हर एक और औरतें इस बात से अनजान है जज साहब कि इन छोरियों का जीवन एक बंद किताब है। अरे झूठ का पुलिंदा है जज साहब। आज हम उसी किताब को खोलने आए हैं जज साहब, अपना सच बताने आए हैं। पूरा का पूरा सच, 100%।
ये कोर्ट रूम आपकी सच झूठ के किताबों के लिए नहीं बना है। बिना टाइम बर्बाद किए इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। माफ कीजिएगा जज साहब, पर इस केस की कार्रवाई से हमारे सच का लेना देना है। वी रिक्वेस्ट कि हम जो बताने आए हैं हमें प्लीज बताने दिया जाए। ना क्या लड़की चूज की है तूने अपने लिए? तेरी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। ना बाकी सबका रिएक्शन तो समझ में आ रहा है, पर ये मम्मी कौन सी गुगली फेंक रही है? ना रो भी रही है और हंस भी रही है, कंफ्यूज कर रही है बहन। ना ज्यादा जोर का तो ना लग गया झटका मम्मी को, मानसिक संतुलन तो ना बिगड़ गया। ये तो धोखा कर रही थी हमारे साथ। ना इतने दिनों से मैं एक छोरी से बाल कटा रहा था। अरे ना तू बाल कटा रहा था, अरे मैं तो दाढ़ी बनवाई छोरियों से। अरे सेविंग तो अच्छी करती है छोरियां, मैंने भी करवाई है। ना मेरे तो पहले कान खड़े हो गए थे, इतनी मेहनत कोई नौकर तो ना कर सका, कोई अपना ही कर सका। सही कह रहे हो अवतार। ना के सही कह रहे हो, अब ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं भी एक नौकर हूं, पूरा मन लगा के काम करता हूं दुकान में। यही तो बात है ना, नौकर तो किसी को नजर ही नहीं आते, कोई औकात ही ना है ना नौकर की। ना जब ये दोनों छोरे सॉरी छोरियां मतलब जब जब कांड कराया करती थी तो धर्मपाल के पास इनकी पैरवी करने तू जाया करता था। जब तेरा सिग्नल डाउन पड़ा था कि अब चालू हो गया। सर जी, सर जी, माफ कर, माफ कर, माफ कर। रोज रोज बेइज्जती करने की आदत से तंग आके आपसे सारे रिश्ते तोड़ता है। तू अभी के अभी ये बोर्ड को जैसा था वैसा कर दे। भगवान ने मने बेटा ना दिया और ऊपर से जिन्हें बेटा मारा वही मुझे चूना लगा रहे हैं। कुसुम ये मैं क्या देख रहा हूं, ये सच है कि धर्मपाल? पापा क्या हो गया? आप ठीक तो है? धर्मपाल जी आप ठीक तो हैं? और बंदा क्या ही देखेगा जज साहब लाइफ में, छोरियों ने छोरा बनके बाप की मट्टी पलीस कर दी। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। आप तो केस को मुलतवी कर दो, अगली तारीख दे दो जज साहब। ना बहन, अगर इस बार तारीख पे तारीख करके ये जगत निकल गया ना, फिर दोबारा हाथ ना लगेगा। बेटियों का कारनामा ना धर्मपाल झेल ना पाया, सदमा लागे दिखे। अपनी छोरियों की तरह ये नौटंकी कर रहा है धर्मपाल। हाँ तो ठीक है, मैं इस मुकदमे की अगली तारीख
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.